कृति सेनन इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा ही सुर्खियां बटोरती नजर आ रही हैं। दरअसल कृति का नाम इन दिनों कबीर भैया के साथ जुड़ रहा है। दरअसल कबीर को बताया जा रहा है कृति का रूमर्ड बॉयफ्रेंड, तो वही अब ना इन दोनों ने साथ में घूमना फिरना भी शुरू कर दिया है। इन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर भी साथ देखा गया। इतना ही नहीं, दोनों दिवाली को भी साथ ही सेलिब्रेट करते नजर आए। बता दें आपको कि कृति जो है वो दिवाली पर कबीर के साथ एंजॉय करती नजर आई थी। यहाँ तक कि कृति का परिवार भी तस्वीरों में दिखाई दिया और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब परिवार वालों ने भी इनके रिश्ते को मंजूरी दे दी है। अब ऐसे में कृति सेनन के जितने भी फैंस हैं वो चाहते हैं कृति के इस बॉयफ्रेंड के बारे में डिटेल में जानना। तो चलिए आपको बता देते हैं कौन है कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर भैया, कितना है उम्र का फासला और नेटवर्क के मामले में कौन है आगे। थाम लीजिए दिल, आपको बताने वाले हैं कि कबीर भैया जो कि कृति को कर रहे हैं डेट, बताया जा रहा है कि वो ब्रिटेन के अग्रणी ट्रेवल एजेंसी के मालिक कुलजिंदर भैया के बेटे हैं। वो वर्ल्ड वाइड एविएशन एंड टूरिज्म के डायरेक्टर हैं। रिपोर्ट्स की माने तो वो 24 साल के हैं जबकि कृति सेनन 33 साल की है। इसके चलते दोनों के बीच 9 साल का उम्र का फासला है। उन्होंने रीजेंट यूनिवर्सिटी लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग एंड सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन के साथ पढ़ाई की है। वही अभी तक कबीर भैया की नेटवर्थ के बारे में डिटेल में तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कहा जा रहा है कि उनके परिवार का जो कुल नेटवर्थ है वो लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। वही कृति सेनन की बात करें तो उनका नेटवर्थ 82 करोड़ के आसपास है। इस साल जुलाई में कृति ने मुंबई महानगर की सेलिब्रिटी राजधानी अलीबाग में 2000 वर्ग फुट का एक प्लॉट खरीदा था और यहां पर वो एक बहुत ही आलीशान बंगला बनवाने वाली है। बता दें आपको कृति और कबीर भैया के प्यार के चर्चे इन दिनों खूब हो रहे हैं और जब से इन दोनों को दिवाली साथ में सेलिब्रेट करते देखा गया है और मुंबई एयरपोर्ट पर ये दोनों साथ में नजर आए हैं, तो तब से ज्यादा इन दोनों की डेटिंग रूमर्स की जो खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बहरहाल गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल फिल्मी बीट।